हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर शमसाद सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर वन। चैप्टर वन इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले की क्लासेस में जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो उन चीज़ों को थोड़ा बहुत रिवाइज किया जाए। क्या क्या है रेशनल नंबर से पहले? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तब फिर आता है आपका रेशनल नंबर। तो इसको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर? देखिए, नेचुरल नंबर में आप कहते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विथ वन, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, बिकॉज फॉर ऑल नंबर्स देयर इज अ लार्जर नंबर। किसी भी नंबर को आप लिख लो, उससे बड़ा एक नंबर लिखा जा सकता है। आपको करना क्या है? सिर्फ +1 कर देना है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्लियर? नेचुरल नंबर के बाद आप पढ़ोगे होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स, स्टार्ट विथ 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ये सारे नंबर्स क्या कहे जाएंगे? होल नंबर्स। दैट इज, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट होल नंबर्स क्या है, तो आप कहोगे देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, बिकॉज फॉर एवरी नंबर देयर इज अ लार्जर नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड so on, include with -1, -2, -3, -4 and so on. This is called integers. Integers क्या होंगे? जितने भी होल नंबर्स हैं उनके साथ अगर नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हो जाते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? These are called positive integers. These are called negative integers. And this one is 0. That is, integers कितने types के होते हैं? 3 types के. First one is positive integers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 एंड 0। क्लियर? तो ये 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर से रिलेटेड पूछा जाता है ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट। आपको कहा जाए कि ट्रू फॉल्स बताना है, आप बताइए ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आपसे कहेगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। बताइए आप ट्रू और फॉल्स। देखिए, देखा जाए तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। लेकिन यही इसी का अपोजिट अगर कहा जाए ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाएगा। देखिए, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, कुछ इंटीजर्स, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, करेक्ट है, बट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर इज रॉन्ग, बिकॉज 0 इज नॉट इन नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर रॉन्ग। फिर आपसे अगर पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर, फॉल्स। मतलब ऊपर से नीचे अगर आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स का। चलिए, अब आपसे जो है आपका जो चैप्टर है रेशनल नंबर उसको पढ़ लिया जाए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पढ़ लिया जाए। रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, a number which can be expressed in a upon b form, where a and b are integers and b are integers, but q never be 0। अगर ऐसा कोई नंबर होता है जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, जहां a और b दोनों क्या हो जाएं, इंटीजर्स हो जाएं, लेकिन q जीरो नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे a number is known as rational numbers। रेशनल नंबर्स, देखिए अब इसी को थोड़ा सा समझा जाए। अगर आपसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा समझा जाए। किसी भी नंबर को अगर a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जैसे 2/3। देखिए 2/3 a और b, a अपॉन बी के फॉर्म में है, और a और b, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, q जीरो नहीं है, q शुड नॉट बी जीरो। क्यू नेवर भी जीरो की जगह अगर आप लिखें शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो तो ज़्यादा सही होगा। तो क्यू जीरो भी नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब कई तरह के रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। -2/3, -5/8, 5/-3, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, और a और b दोनों a और b के फॉर्म में है, और a और b दोनों नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और b जीरो भी नहीं है। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? सिंपल अगर कहा जाए 8 बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो आप देखिए 8 को अगर 1 से डिवाइड, 8 को अगर सिंपली ऐसे देखा जाए तो a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं है, a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता था, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए a अपॉन बी, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 8 को क्या करें? 1 से डिवाइड कर दें। 1 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये a अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, a और b के फॉर्म में आ गया। तो a और b के फॉर्म में अगर आ गया और b जीरो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए -5 को भी 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए -5 को भी 1 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये a अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, a और b के फॉर्म में आ गया। तो a और b के फॉर्म में अगर आ जाता है और यहाँ b जीरो भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। सबसे ज़्यादा जो डाउट क्रिएट किया जाता है, वो डाउट क्रिएट किया जाता है जीरो पर। सबसे ज़्यादा डाउट जो क्रिएट किया जाता है वो जीरो पर। देखिए ज़रा, 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये a अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, a हो गया और ये b हो गया। देखिए a और b दोनों इंटीजर्स हैं, और b के साथ कंडीशन है, a के साथ कोई कंडीशन नहीं होता है। b के साथ कंडीशन है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो b जीरो नहीं है। तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा? एक इंटीजर ही, सॉरी, एक रेशनल नंबर होगा। जीरो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग रेशनल नंबर क्या होता है, कौन कौन से, मतलब ये है कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर, सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, चलिए रेशनल नंबर पढ़ लिए। अब टाइप कितने टाइप के होते हैं? पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर ये क्या होगा? अगर a अपॉन b के फॉर्म में है, a और b दोनों का साइन सेम है, जैसे अगर दोनों प्लस हैं या फिर दोनों माइनस हैं, तो उस टाइप के रेशनल नंबर को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। दैट इज अगर 2/3 है या -2/-3, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड वन इज नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ ही देखिए, अगर कोई एक ए और बी में से कोई एक अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, दैट इज 2/-3। ठीक, ये हो जाता है रेशनल नंबर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर्स की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जरा पढ़ा जाए। क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर a/b है, यही रेशनल नंबर होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मींस a और b दोनों में अगर किसी सेम नंबर से इंटू कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर a और b में किसी सेम नंबर से इंटू कर दिया जाए तो इस रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए 5/7 है, इस 5/7 में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से इंटू कर देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, फॉर्म चेंज हो जाता है। 5/7 को अब हम 10/14 लिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसका होता है, सेकंड प्रॉपर्टी अगर वही a/b है, इसमें दोनों में a और b दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर कहा जाए कि 5/15 ये है, 5/15 इसकी वैल्यू यही होगी 5 डिवाइडेड बाई 5 और 15 डिवाइडेड बाई 5। देखिए, सेम नंबर से हमने डिवाइड किया, ये 1 आ गया और ये 3, वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होगा। चलिए, प्रॉपर्टीज के बाद अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ लिया जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जिनके a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। जैसे अगर कहा जाए आपसे 2/3, देखिए 2 और 3 a और b है, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर की बात किया जाए तो 1 हो सकता है, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कहा जाए तो आप चेक कर लेना कि दोनों a और b दोनों ही किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का यही मतलब है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला कंडीशन क्या है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। पहला, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला कंडीशन होगा देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन a एंड b। ए और बी में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है बी नेवर नेगेटिव, बी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, बी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर कुछ देखा जाए एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जाम्पल्स, तो आपका आ जाएगा 2/3 -3/5 -7/8, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स आपको गिवन होंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने को कह सकता है। चलिए चेंज करना सीखा जाए, आपको पता चल गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, क्या क्या कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना सीखा जाए। जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाए तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर गिवन है 2/-3, यहाँ पे 2 और 3 में पहला कंडीशन जो होता है ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन देखिए बी निगेटिव है, बी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है, आप इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले बी को निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाया जाए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इंटू कर दो -1 से। आपको प्रॉपर्टी बताया गया है कि किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2 × -1 इज -2, दैट इज -3 × -1 इज 3। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस थे स्टैंडर्ड फॉर्म के, पहला कि 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और b नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, पहला चीज। सेकंड, जब भी आपको b नेगेटिव में दिखेगा आप -1 से इंटू कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पहला। सेकंड क्या होता है, सेकंड कभी कभी दे देता है, जैसे 5/15। देखिए 5 ए और b, ए यहाँ पे क्या है, ए है आपका 5, बी है आपका 15। ए और बी में कुछ भी, कंडीशन यही है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज कॉमन फैक्टर क्या है, ए और बी में कॉमन फैक्टर आपका है 5 कॉमन फैक्टर। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप कर सकते हो कि ए और बी का HCF फाइंड कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड कर लो ए और बी का, और जितना HCF आता है उससे क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो देखिए 5 और 15 का HCF जब आप फाइंड करोगे तो वो आएगा 5 आएगा, आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3। अब देखिए ये इसी की वैल्यू है, आपको बताया गया है कि डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसी को चेंज करके इसमें ले आए हैं ए और बी। अब देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है और बी पॉजिटिव भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे कहता है 8/-20, यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन फेल हो रहा है। दो कंडीशन है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमन फैक्टर है, और बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बी नेगेटिव भी है, दोनों ही फैक्टर्स फेल हो रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये हो गया -+20, ये तो चेंज हो गया। इसके बाद से अभी भी कॉमन फैक्टर्स हैं कुछ, तो वो कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाएगा। आप क्या करोगे, HCF फाइंड कर लो, 8 और 20 का HCF फाइंड कर लो, HCF आप देखोगे आएगा 4, HCF फाइंड करोगे आएगा 4। आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 4 और 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज -2/-5, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक सिंपल वे भी है, इसको सिंपली अगर आपको करना हो तो आप देखो कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4×2 = 8, 4×5 = 20, दैट इज -2/5, सेम आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन, रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन देखा जाए, रेशनल नंबर का कंपैरिजन। कंपेयर कैसे? कोई दो रेशनल नंबर है 2/3 और 3/4, इसको अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर है 3 और 4, डिनोमिनेटर को आप सबसे पहले इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम फाइंड करते हो। एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करने के बाद एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 12। ये 12, अब 12 को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल कर दो। 3 को अगर 12 बनाना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, बताइए आप। 3 को 12 करना है तो 3×4 = 12, 4 से इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा 2×4, 3×4। और इसको 12 करना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3×3 और 4×3। अब आ जाएगा 8/12, ये आ जाएगा 9/12, क्लियर। तो अब ये आ गया, डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, अब सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 8 और 9 में बताइए कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है तो ऐसे चेंज कर दोगे। यही कंपेयर करने का मतलब यही होता है कि आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाइए, ठीक। तो ये आ जाएगा, इसका ओरिजिनल फॉर्म है 2/3 = <3/4। तो ये इस तरीके से आप कंपेयर कर लोगे। कंपेरिजन कर लोगे अगर तो ऐसे ही कंपेयर करके आप क्या करोगे, अगर आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो भी अरेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को चेंज करना। जैसे अगर आपसे कहा जाए चेंजिंग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अगर आपसे कहा जाए कि -5/8 ये कोई रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को चेंज करिए, मेक डिनोमिनेटर एज 16 बनाना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो बनाना है ये डिनोमिनेटर को 16 बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, 2 से इंटू कर दोगे, दैट इज -10/16, क्लियर। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर को चेंज किया जा सकता है। अगर आपसे कहता है न्यूमरेटर चेंज करने को, इसी क्वेश्चन को अगर कहता है, इसी क्वेश्चन को जैसे -5/8 अगर कहता है कि न्यूमरेटर को आप कितना बनाइए, मेक न्यूमरेटर एज 15 बनाना है तो देखिए +15 बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, माइनस से इंटू कर दोगे और 3, तो किससे इंटू कर दो, -5 × -3 से इंटू कर दो, 8 × -3, दैट इज कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा 15 और 8 × 3 = 24। तो इस तरीके से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब तक आप लोग पढ़ चुके हो, रेशनल नंबर पढ़ लिए, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पढ़ लिए, कंपेयर करना पढ़ लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना पढ़ लिए। जैसे कंपेयर करना बताया गया है वैसे ही सेम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम चेंज कर सकते हैं। आप लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करेंगे। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, चैप्टर 1 जो रेशनल नंबर है उसके पहले एक्सरसाइज में आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे डिनोमिनेटर चेंज कराएगा, आपसे न्यूमरेटर चेंज कराएगा, आपसे अरेंजमेंट कराएगा, असेंडिंग ऑर्डर में करा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इतना आप लोग RS अग्रवाल का चैप्टर 1 का पहला एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।